डाटा पढ़ के उसको दिमाग में रिटेन करना है लंबे टाइम, तो मैं ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाऊं कि वो लॉन्ग रन तक मेरे दिमाग में बैठे। अब जो मेजॉरिटी टास्क बच्चे हैं यहीं पे गलत कर जाते हैं, जब पहली बार एनसीईआरटी पढ़ी तो वो इसलिए पढ़ी कि दिमाग में अभी की अभी सारा डाटा बिठा देता हूँ। एनसीईआरटी को धीरे 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 पढ़ के दिमाग में बिठाना है, ऐसे नहीं कि एक बार बैठे और सारा पढ़ लिया अभी तो याद है पर दो दिन बाद पूछो हम भूल गए। छोटा सा काम है जो तुमको डेली करना है, अगर ये कर रहे हो अच्छी बात है, अगर ये टास्क नहीं कर रहे हो आज से ही इसको करना शुरू कर दो। करना क्या है, गुड आफ्टरनून क्लास, बैठ जाओ। छोटा सा एक सेशन करते हैं, ठीक है, ये जानने के लिए, बैठ जाओ बेटा, ये जानने के लिए कि एनसीईआरटी को आखिरकार रीड कैसे करना है। ठीक है, अभी तो थोड़ा टाइम हो गया है सेशन को स्टार्ट हुए, ठीक है, इट्स लेट टू आंसर दीज क्वेश्चन, बट ठीक है अभी भी इन क्वेश्चन का आंसर अगर हमें मिल जाता है तो बहुत हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आज हम ना थोड़े साइंटिफिक बेसिस भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं नॉट ओनली इन एनसीईआरटी, लेट्स से हम नीट की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, मुझे कोई एक डाटा पढ़ के उसको दिमाग में रिटेन करना है लंबे टाइम तक, तो मैं ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाऊं कि वो लॉन्ग रन तक मेरे दिमाग में बैठे। नीट के बाद लेट्स से तुम्हारा सिलेक्शन हो भी गया तो उसके बाद भी तो तुम्हें इतनी हेफ्टी बुक्स, इतनी हैवी बुक्स पढ़नी है और उसको दिमाग में रिटेन करना है, वो अलग बात है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत सारा होगा पर बुक्स तो तब भी पढ़नी होंगी, तो तब क्या ऐसा चेंज हो जाएगा और अब क्या ऐसी चीज़ है जो हमको रोक रही है उस प्रोसेस को करने में या पूरी की पूरी एनसीईआरटी को दिमाग में बिठाने में। ठीक है, इसके अराउंड थोड़ा बात करते हैं आज हम लोग कि कैसे ये प्रोसेस हम पूरी कर सकते हैं और कैसे उस पूरी एनसीईआरटी को कट टू कट दिमाग में छाप सकते हैं। तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, हम अपनी एनसीईआरटी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एनसीईआरटी में खाली थ्योरी का ही पार्ट तो नहीं होता भाई, उस थ्योरी के अलावा भी बहुत सेक्शन है। जैसे मैं कुछ सेक्शंस का नाम यहाँ लिख देती हूँ, आपको एनसीईआरटी में एक चीज़ पढ़नी है दैट इज़ उसकी थ्योरी, वो तो पूरा लैंग्वेज का पार्ट है। दूसरी चीज़, हर एक चैप्टर के स्टार्ट में एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। कितने लोगों ने पैराग्राफ देखा या नोटिस किया है कभी, शुरुआत में एक पैराग्राफ होता है उसी के नीचे में फिर वो कई बार साइंटिस्ट का नाम लिख देते हैं, उसकी डिस्कवरीज की डिस्क्रिप्शन देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उसको इग्नोर कर देते हैं हम मेजॉरिटी जो फोकस दिखाते हैं वो इस थियोरी पर दिखाते हैं, पर एनसीईआरटी का हर एक छोटा छोटा कोना भी उतना इंपॉर्टेंट है। जैसे पेपर का पैटर्न हमको देखने मिल रहा है, हर एक छोटा छोटा कॉर्नर, उसमें कोई भी सेगमेंट क्यों ना हो, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास थियोरी है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, उसके अलावा अपने पास जो है कुछ चार्ट्स मिलते हैं, उसके अलावा यहीं पर कुछ टैबुलेटेड डाटा है या फिर कुछ टेबल में फॉर्मेशन है। लास्ट चीज़ यहाँ पर जो आपके पास है वो कुछ डायग्राम है। खाली डायग्राम नहीं देखना हमको, उसके साथ में कुछ लेबलिंग भी लगी होती है, तो हमारा डायग्राम प्लस उसके अंदर रखी हुई लेबलिंग है। एंड लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़, हर चैप्टर के एंड में एक समरी दी हुई है। कितने लोगों ने समरी थरली पढ़ी है 5 से 6 बार हर चैप्टर के बाद? देखो वेरी फ्यू स्टूडेंट। चलो 5 से 6 बार नहीं तो एटलीस्ट रीड करिए 1 से 2 बार, चलो काफ़ी लोगों ने रीड तो करी है एटलीस्ट। तो एनसीईआरटी का हर एक छोटा छोटा कोना अपने लिए इम्पॉर्टेंट है, पर हमारा मेजर फोकस कौन सा पार्ट ले जाता है, जो थियोरी वाला पार्ट है कि उस लैंग्वेज को रीड करके उसको डिकोड कर लेते हैं। पर हर ईयर जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मिल रहा है ये सारे सेगमेंट वहाँ से हमको मिल जाते हैं। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करना है, दिमाग में बिठा के रखना है। अभी जो टाइम चल रहा है ये जून चल रहा है, जून के बाद में जा करके अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं अगले मई में अपना पेपर होना है। तुमने बहुत ज़्यादा जान लगा दी जेनेटिक्स को पढ़ने में, तुमने लेट्स से 20 बार उस चैप्टर को पढ़ लिया मान के चलते हैं, उसकी रीडिंग तुमने कितनी बार कर ली, 20 बार कर ली, पर एग्ज़ाम कब है, अगले साल एग्ज़ाम है, तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन अभी परफेक्ट तो पढ़ ली पर उसको आगे तक रिटेन रखना था, अभी 20 बार पढ़ के बीच में उसको मत पढ़ो, क्या होगा उससे, वो सारी इन्फॉर्मेशन भूल जाएंगे। तो ऐसा गड़बड़ क्या करी है, मैंने दिन रात एक कर दिया जेनेटिक्स पढ़ने में, सेल साइकिल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये सारे चैप्टर इतने अच्छे से पढ़े पर लास्ट में ऐसा क्या हुआ कि मैं फिर से भूल गई या मैं भूल चुका हूँ उसको, दोबारा उतने एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, तो ये तो इम्प्रैक्टिकल है ना। तुमने 15 दिन लगाए जेनेटिक्स को पढ़ने में फॉर एग्जाम्पल, अब क्या हर बार उतने ही 15 दिन लगाते रहोगे, फिर से वही एफिशिएंसी, वही एनर्जी, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। तो यहाँ पूरा काम करना शुरू करना है जो रीडिंग का, सबसे पहला टास्क हमारा ये होना चाहिए जो भी डाटा तुमको दिया जा रहा है
उसको स्ट्रक्चर में डेवलप करो. क्या करना है उसको? स्ट्रक्चर में डेवलप करना है. तो हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को हम छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करेंगे और उससे क्या क्रिएट करेंगे? अपने स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे. तो मैं मान के चलती हूँ तुमने एनसीईआरटी को फर्स्ट रीडिंग दिया, हमने पहली बार एनसीईआरटी पढ़ी. अब जो मेजॉरिटी टास्क बच्चे हैं यहीं पे गलत कर जाते हैं, जब पहली बार एनसीईआरटी पढ़ी तो वो इसलिए पढ़ी कि दिमाग में अभी की अभी सारा डाटा बिठा देता हूँ. कितने लोग ये करते हैं, एक बार में रीड करके जितना याद हो सकता है उतना याद कर लेते हैं, एक बार में उसको दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हो. ये प्रैक्टिस नहीं करनी है हमको फॉलो. एनसीईआरटी को धीरे 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 पढ़ के दिमाग में बिठाना है. ऐसे नहीं कि एक बार बैठे और सारा पढ़ लिया अभी तो याद है, पर दो दिन बाद पूछो हम भूल गए उनको. या फिर कुछ चैप्टर का नेचर ही ऐसा है, वो बोरिंग है, लेट्स से मुझे बोरिंग लगता है वो चैप्टर, तो मैंने अभी भी उसको ढंग से नहीं पढ़ा, आगे तो कभी देखूंगी ही नहीं फिर जब अभी बोरिंग लग रहा था वो. तो हमको यहाँ पर पहली फर्स्ट रीडिंग जब करनी है बस उस चैप्टर को अंडरस्टैंड करो, यहाँ पर डेवलप कर लो बस किस चीज़ को, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को पहली रीडिंग में मेमोराइज नहीं करना है. तो लेट्स से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है या जो चैप्टर तुमने रीड कर रखा है उसको दिमाग में विजुअलाइज कर सकते हो कि शुरू के पैराग्राफ से लास्ट तक वो ये मेन एजेंडा बताना चाह रहा था. तो अगर उसको पूरा स्ट्रक्चर कर पा रहे हैं दिमाग में कि पहले इसकी बात हुई है फिर इसकी बात हुई है, कौन सा डाटा किससे लिंक हो रहा है, अगर ये सारा काम हम कर पा रहे हैं स्ट्रक्चर वाला, तो वो लॉन्ग रन तक हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा. बट इनकेस अगर ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे तो पहली स्टेप में ही दिक्कत है. फर्स्ट रीडिंग करते टाइम हम हमेशा क्या करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, बाद के स्टेजेस में उसको मेमोराइज करना है, फर्स्ट स्टेप में ये टास्क नहीं करना. अब ये मैंने अंडरस्टैंडिंग बना ली, एक पिक्चर फॉर्म में चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, कैसे कैसे वहाँ पर क्या क्या डिस्क्राइब्ड है. अब मुझे दूसरी रीडिंग करनी है, तो फर्स्ट रीडिंग के तुरंत बाद मैंने क्या कर दी, सेकेंड रीडिंग करी. अब कुछ हद तक मैं क्या करूँगी, जो पहले अंडरस्टैंडिंग बिठाई थी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो ईजी होंगे मेरे लिए, जो मुझे आते हैं. अब मैं कुछ दोबारा जो टॉपिक नहीं आए थे उसके लिए क्या करूं, अंडरस्टैंडिंग बिठाऊं, यहां पर उसकी अंडरस्टैंडिंग बिठाएंगे और उसके अलावा जितनी चीजें पॉसिबल हैं जो मैंने एक बार पहले कभी देखी हुई हैं, हल्का फुल्का याद आ गया, उसको मेमोराइज कर लो. फिर आते हैं दोबारा थर्ड रीडिंग पे. जब मैं तीसरी रीडिंग पे पहुंचूंगी तो ये जो क्वोशंट होगा मेमोरी वाला वो शायद बढ़ जाएगा. क्यों? मैंने तीसरी बार रीड करी है, अब काफी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिमाग में है, हर बार उस लाइन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है. अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट और स्ट्रांग होता जा रहा है. ऐसे ही रिस्पेक्टिव रीडिंग्स करनी है. पर आखिर कब तक करूं भाई, इतने सारे चैप्टर हैं एक बुक के अंदर में, क्या डेली सारा रीड कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं है. तो हमने एक टेक्निक निकाली सिंपल, यहां से हमने फर्स्ट रीड किया. क्या फर्स्ट रीडिंग में मेमोरी करनी है? मेमोराइजेशन नहीं, यहां पर बस फोकस किया चीजों को अंडरस्टैंड करने में. तो हमने यहां पर बिठाई चीजों की अंडरस्टैंडिंग. दूसरी रीडिंग करी हमने, सेम ही टास्क किया पर लेकिन यहां से थोड़ा इंप्रोवाइज किया, जो चीजें लग रही थी कि दिमाग में बैठ सकती है उसको बिठाया. फिर इसी तरह थर्ड रीडिंग चली आई, फोर्थ रीडिंग एंड सो ऑन. लेकिन जैसे अभी इस एग्जाम्पल में मैंने वो स्टेटमेंट दी थी, इससे जब तुरंत पूछी इसने बता दिया, पर मैं अब पूछूं बता सकते हो? याद है अभी वो, थोड़ी सी देर बाद पूछूं तो हो सकता है स्ट्रक्चर्स उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, पर अगर उसको हमने एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में याद किया होता तो लंबे रम तक याद होता. तो पहली केस में तुमने अंडरस्टैंडिंग बिठाई है उसकी, पर साथ में तुमने किया क्या है, तुमने उसको स्ट्रक्चर्ड डाटा में कन्वर्ट कर लिया. अब मेरा डाटा कैसे बैठा था यहाँ पे, स्ट्रक्चर्ड. मुझे मेरे चैप्टर का नूक एंड कॉर्नर पता है, कहाँ पर किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन है. दूसरा, जब सेकेंड रीडिंग करी तब भी क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं. हाँ, थर्ड में आते आते हो सकता है कि अब मैं मेमोराइजेशन पर फोकस कर लूँ. तो कुछ लाइन ऐसी होंगी जो याद हो चुकी हैं, कुछ लाइन ऐसी हैं जो नहीं हुई हैं, तो मैंने उनको हाईलाइट कर लिया. तो यहाँ पर मिल गए मुझे मेरे हाईलाइटेड पॉइंटर्स. ऐसे ही हर बार ये मिलते रहेंगे, पर ये प्रोसेस कुछ हद तक करने के बाद एक गैप लगाते हैं. हम अपने दिमाग को टाइम देते हैं कि तुम भूलो, जितना भूल सकते हो भूल जाओ, जिससे मुझे पता तो चले कि भूलने के बाद मेरे साथ क्या हो रहा है. भाई लॉन्ग रन तक 6 महीने 7 महीने तक ये रिटेन रखना है डाटा, तो इतना टाइम में डेली एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे. तो दिमाग को थोड़ा गैप दो. यहाँ पर हमने एक गैप क्रिएट किया, कुछ टाइम गैप दिया अपने ब्रेन को, फिर दोबारा से एनसीईआरटी की रीडिंग करी.
अब जब रीड करोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा, अच्छा ये वो चीज थी जो मैं हर बार भूल जाता हूं। तो यहां से अब वो पॉइंटर्स या वो डाटा जो था जिसको तुम भूल रहे हो उसको उठाना है हमको, और इसका क्या करना है, इसका अब हम कलेक्शन बिठाएंगे। तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, एक तो वो डाटा जो ऑलरेडी मेरे दिमाग में बैठ चुका है, वो मुझे आता है ऑलरेडी अब क्योंकि मैंने इतनी बार रीड कर लिया उसको, और कुछ एक वो डाटा जो हर बार नया है, मैं हर बार भूलती हूँ उसको। हो सकता है वो कुछ फैक्ट हो, कोई डाटा हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया, तो मैं उसको यहाँ से क्या कर दूंगी, सेपरेट, और वो छोटी सी लिस्ट बना ली, उसको सेग्रीगेट कर दिया। पर जब ये पैरेलल टास्क कर रहे थे, बीच में एक काम और करना है हमको, कोई बता सकता है क्या? रीडिंग करते करते बस रीड नहीं करना है, बीच में एक टास्क और है जो करना है, क्या करना है? और कोई पॉइंट और कुछ हाँ, खुद से लिखना है, पूरी एनसीईआरटी लिख डालें, क्या करना है, पेज में समरी लिखते चलें, ठीक है? और कुछ समरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, डायग्राम, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ गए? जब रीड कर रहे थे, रीड करने में तुमने मेमोरी में बिठाया कुछ चीजों को, तो पैरेलली इस टाइम पर क्या किया हमने, क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। अरे रियल टेस्टिंग तो यहीं से होगी कि कितनी चीजें दिमाग में बैठी थी, कुछ गैप दिया, फिर दोबारा से रीड किया, फिर दोबारा से करा क्वेश्चन को प्रैक्टिस। तो ये पैटर्न अगर लगातार चलाते रहेंगे, गैप देते जाओ आगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर गैप के बाद रीविजिट कर रहे हो, और वही रीविजिट करना क्या बन जाएगा, हमारा रिवीजन बन जाएगा। तो पहला जब रीड किया, मैंने याद नहीं किया उसको, मैंने बस उसको क्या किया है, अंडरस्टैंड किया, अच्छा ये बात बताई जा रही है यहाँ पे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सेल थियोरी कैसे लिंक्ड है आगे वाले पार्ट से, कैसे वहां पर चीजें फॉर्म होती हैं, कैसे उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एक अंडरस्टैंडिंग बनाई, दिमाग में उसकी स्ट्रक्चर है, खाली लाइन नहीं आपको दिमाग में बिठानी है, रट्टे नहीं मारने हैं उसके, हमको उसका स्ट्रक्चर दिमाग में आना चाहिए। दूसरा, फिर दोबारा रीडिंग करी, आधी चीजें मेमोरी में गई, आधी चीजें अंडरस्टैंडिंग में चली गई, जो चीजें नहीं बन रही हैं उसको हमने अलग से कलेक्शन बना लिया, वो तो मुझे देखना ही पड़ेगा हर बार, वो मेरे ब्रेन का हो सकता है कुछ वीक पार्ट है, वो याद नहीं हो पा रहा मुझको, तो मैंने उसको सेपरेट कर दिया। एंड लास्टली, इस बीच में क्या करना था हमको, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी थी, और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होगा, फाइनल मेरी टेस्टिंग हो जाएगी कि ये प्रोसेस सही भी जा रही है या नहीं जा रही है। पर बीच पूरे प्रोसेस में क्या करना है, आपको उसका रिवीजन करते चलना है। ये तो बात हुई कि एनसीईआरटी को रीड कैसे करें, पर पैरेलल जितने एस्पेक्ट बताए, उसके बीच में डायग्राम है, टेबल है, चार्ट है, वो सबके लिए वैलिड है, सबके लिए ये करना है। पहली बार में बस दिमाग में ये मत कोशिश करना कि अभी आज सारा याद कर लूं, उसको दिमाग को थोड़ा टाइम दो, उसको बैठने दो वहां दिमाग में, क्वेश्चन करो, अलग अलग तरीके निकालो उसको करने के, ठीक है? अगर मैं बार बार एक ही पैराग्राफ दूं तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर का, तो क्या तुम लगातार उसको उतनी एफिशिएंसी से पढ़ सकते हो? एक पॉइंट के बाद क्या होगा, लेट्स से 10 बार रीड कर लिया एक पैराग्राफ को, 11वीं बार क्या होगा मेरे साथ, सैचुरेट हो जाएंगे, क्या मजा आएगा पढ़ने में, मजा भी नहीं आ रहा, फिर कैसे पढ़ूं? क्वेश्चन बना सकते हैं, देखो थोड़ा सा इस प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। कैसे इंटरेस्टिंग बना लेते हैं, यहां पर हम कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट करेंगे। स्ट्रक्चर कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हो, तुम चाहो तो यहाँ पर एक माइंड मैप बना लो, जैसे कुछ लोगों ने बोला भी अभी, यहाँ पर कुछ माइंड मैप्स बना लो। उसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, कुछ चीज अगर चार्ट के फॉर्म में बन सकती है, कोई चैप्टर चार्ट के फॉर्म में बना लो, मुझे ये तरीका ज़्यादा बेटर लगता है बायो के केस में, जितने डायग्राम हो सकते हैं उतने डायग्राम बनाओ। अगर तुम्हें कोई स्ट्रक्चर डायग्राम से पढ़ाया जाए वो ज़्यादा बेहतर है या थ्योरी से पढ़ना, डायग्राम से? तो अगर एक पैराग्राफ पढ़ के उसका डायग्राम बनाया जा सकता है तो उसको फॉर्म कर लेते हैं। और कोई चीज़ हो सकती है जिससे इंटरेस्टिंग हो जाए, जो बहुत कॉमन बच्चे करते हैं और उसमें कोई गलती भी नहीं है, कोई और तरीका इसे इंटरेस्टिंग बनाने का? शॉर्ट नोट्स, नोट्स भी तो थियोरेटिकल पार्टी है। फ्लैश कार्ड्स पता है, छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स के फॉर्म में उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिख लो, तो तुम वहां पर एक और चीज क्रिएट कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स फॉर्म कर लो। और एक और तरीका, मोस्ट कॉमन तरीका, जो तुम्हारे पास स्टिकी नोट्स होते हैं, पर इनके ऊपर हमें वो इंफॉर्मेशन लिखनी है जो इंफॉर्मेशन तुम भूल जाते हो,
तो इस सारी इंफॉर्मेशन को अगर मैं कलेक्ट कर लूँ, किसी पैराग्राफ के लिए कुछ चीज यूज कर लिया, किसी पैराग्राफ के लिए कुछ और चीज यूज कर ली, तो इससे क्या होगा, ब्रेन पे सैचुरेशन नहीं आएगी कि बस पैरा 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 रीड करते जा रहे हैं। तो कभी उसका माइंड मैप बना हुआ है, कभी एक चार्ट बना हुआ है, ये सारी चीजें हमारे पास चल रही हैं। पर लेकिन अगर किसी बच्चे ने ये भी टास्क किया, उसने एनसीईआरटी रीड करी जैसे हमने डिस्कस किया, उससे बीच बीच में ये भी पॉइंटर्स ऐड करे, पर फिर भी वो दिमाग में रिटेन नहीं कर पा रहा, तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसा भी हो जाता है कई बार, अभी भी एक प्रॉब्लम है, बताओ। ब्रेक और क्या प्रॉब्लम लग रही है यहाँ पे? हाँ, क्या नहीं किया? चलो मान लेते हैं क्वेश्चन, उसने तीनों टास्क किए भाई यहाँ पे, उसने रीडिंग करी है, उसने इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाई है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए उसने ये वाले स्ट्रक्चर्स का भी इस्तेमाल किया है, और उसने क्वेश्चन भी सॉल्व करे हैं, अभी भी नहीं हो रहा है उसका सिलेक्शन, अभी भी याद नहीं हो रही चीज़ें, अब क्या प्रॉब्लम बची है? देखो, एक छोटा सा काम है जो तुमको डेली करना है, अगर ये कर रहे हो अच्छी बात है, अगर ये टास्क नहीं कर रहे हो आज से ही इसको करना शुरू कर दो। करना क्या है, ध्यान से सुनना बात को भाई, करना क्या है, बहुत इफेक्टिव तरीका है। तुमने ये टास्क किया, अंडरस्टैंडिंग करी, क्वेश्चन किया, ये सारे भी बना लिए, स्टिकी नोट्स, फ्लैश कार्ड, सबसे तैयारी कर ली। अब जब रात को सोते हो दो टास्क में से कोई भी कर लो, अगर तुम लेजी हो तो सेकंड वाला कर लो, और अगर ठीक है लेजी नहीं होते हैं फर्स्ट वाला कर लेना। तो दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका, रात को सोते टाइम नोट्स मत देखो अपने, नोट्स को बंद कर दो, बुक को बंद कर दो, एक खाली पेज उठा लो, ब्लैंक शीट पर चीज़ों को स्क्रिबल करो। जो शुरू में आज लेट से क्लास हुई अपनी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, हमने कुछ बेसिक टर्म्स की बात करी, घर जाओ कॉपी मत देखना, घर जा करके स्क्रिबल करो, सुंदर सुंदर नहीं लिखना है कि अच्छा आज क्या क्या करा था, दिमाग में जो जो आ रहा है उसको लिखने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर उसको स्क्रिबल कर लिया। तो पहला तरीका जो हमने निकाला, शीट लिया ब्लैंक, और इस शीट पर क्या कर दिया, चीजों को स्क्रिबल कर दिया। अब जितना डाटा मैक्सिमम हमको रिकॉल हो रहा है, पूरे दिन में क्लास ली थी, बीच में गैप भी तो लगा है, तो यहां पर जितना डाटा स्क्रिबल हो रहा है वो दिमाग में बैठ चुका है, उसी के स्ट्रक्चर्स बिल्ड हुए हैं। दूसरा टास्क, अगर तुम लेजी हो, पेज भी नहीं उठाना चाहते हो, जब सोने जा रहे हो आइस क्लोज करो, ओपन रखना ओपन भी रख सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, आइस क्लोज करो और रिकॉल करो एक्टिवली। अंडरस्टैंडिंग जब ज्यादा होती है, इधर बात सुनो, जब अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है तो रात में जब सोने जा रहे होते हैं ना, जब एकदम रेस्टिंग मोड पे हैं, तो दिमाग में उस टाइम पे जो चीजें हिट कर रही हैं वो हमने एक्टिवली सुनी थी, वो दिमाग में एज इट इज बैठी हैं। जैसे कोई स्टोरी सुना दूं, थोड़ी देर बाद भी याद रहेगी, शायद परसों भी याद रहेगी, रात को तो याद आ ही जाएगी, एज इट इज याद आ जाएगी। रीजन भी, क्योंकि वो तुमने बहुत इंटरेस्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठा करके सुनी थी। तो पहला टास्क यही करना है, जब भी कोई चीज कर रहे हो उसको एक बार में मेमोराइज नहीं करना कि आओ रट्टे मार लेते हैं इसके, उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने दो, टाइम दो दिमाग में उसको सेटल होने का, और रात में उसकी टेस्टिंग करो, या तो पेज पर स्क्रिबल करके, पर अगर बिल्कुल लेट हो गया है कुछ भी रीजन से, तुम अपने घर पर नहीं हो या कोई भी रीजन है, तो तब तुम्हें क्या करना है, एक्टिव रिकॉल करना है। ये तो तुम मेट्रो में भी कर सकते हो, जाते जाते अच्छा बॉटनी की क्लास में आज क्या था, ठीक है ये चीज हुई थी वहां पे, याद नहीं आ रहा आज कुछ भी, तो घर जाके क्या करना है, दोबारा पूरा बैठ करके रिविजन करना है। इस मोमेंट पर रिकॉल ना कर पाओ, फिर से उठ जाना, फिर बैठ के सारा काम करना पड़ेगा तुम्हें, फिर रिविजन करने बैठ जाना। तो ये कुछ टेस्टर्स हैं जो हमको बता रहे हैं, ये टास्क बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, पर लेकिन हम टेस्टिंग नहीं कर पाते अपनी। तो ये कुछ टेस्टर्स हैं कि ट्रैक सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जिस दिन रात को तुम्हारे साथ ये सीन हो जाए कि मुझे अब याद नहीं आ रहा आज क्या कराया था क्लास में, ब्लैंक हो गया बिल्कुल दिमाग, तो इसका मतलब उस दिन अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, या लेट्स से क्लास नहीं थी, तुमने पढ़ा था एनसीईआरटी के पेज को, उसके साथ भी सेम काम करना है तुम्हें, रात को बैठ के उसकी एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। जितना ज्यादा रिकॉल करोगे दिमाग में न्यूरल कनेक्शंस बैठ जाएंगे, और उसी कनेक्शन को स्ट्रांग बनाना है हमने थोड़ा, जितने वो स्ट्रांग होंगे उतना ही लॉन्ग रन में चीजें हमें याद रहेंगी भाई, ठीक है। उसके अलावा हम कुछ और टास्क कर सकते हैं, हमें दो काम तो समझ में आ गए, एक हमने एक्टिव रिकॉलिंग स्टार्ट करी है, दूसरा एक मेथड है जिसको बोलते हैं स्प्रिंट मेथड, किसी को पता है इसके बारे में? स्प्रिंट क्या होती है? स्प्रिंट उसमें से एक स्पेशल तरीका है, जब भी भागो तुम क्या करो, पूरी एफिशिएंसी से भागो।
तो कभी कभी क्या होगा अपने साथ में, हम पढ़ रहे हैं ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग लगा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं पेजेस, पढ़े जा रहे हैं, 6 घंटे पार हो गए, बुक खुली हुई है, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, एक्टिवली पढ़ाई कर रहे हैं, पर वो हो सकता है कि दिखावा चल रहा है, बस दिमाग को बस ट्रेन किया जा रहा है, हाँ बैठो पेज पलटो रीडिंग हो रही है, पर उस टाइम पे एक्टिवली रीडिंग कभी कभार नहीं होती है। तो उस पॉइंट पर ये टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। अगर तो किसी की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पार बैठ जाती है, अच्छी बात है, अगर नहीं बैठ पाती है तो ये उन बच्चों के लिए टेक्निक है भाई। ध्यान से सुनना, करना क्या है, जितनी भी तुम्हारी एफिशिएंसी है, जितनी भी तुम्हारी एफिशिएंसी है उतनी ही देर पढ़ो। क्या करना है, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं, तुम्हारे लिए वेरी कर सकता है। मैं एक पेज पढ़ना स्टार्ट करी एनसीईआरटी का, मैंने कितनी देर पढ़ा उसको, 30 मिनट, पर 30 मिनट्स तो मैं उस टाइम पे फोन की नोटिफिकेशन नहीं देखनी है, कोई रील पर स्क्रोलिंग नहीं करनी है, कोई बुलाए, कोई भी कुछ भी कर जाए, तो मैं बस 30 मिनट्स क्या करना था, एक्टिवली रीडिंग। जैसे ही 30 मिनट्स पूरे हो, ये 20 मिनट भी हो सकता है तुम्हारे लिए, जैसे ही 30 मिनट्स पूरे हुए तुम कुछ ब्रेक ले लो, तो तुमने यहाँ पर 2 मिनट का ब्रेक लिया, माइंडेड ब्रेक कितनी देर का है, 20 मिनट ना हो जाए, नैप में कन्वर्ट ना हो जाए, तो बस 30 मिनट पढ़ा, आधे घंटे बुक की रीडिंग करी, 2 मिनट मैंने ब्रेक लिया, वॉक ले लिया, थोड़ा पानी पीना था पानी पी लिया, कुछ खाना पीना था, ये सब टास्क कर लिए अपने। उस 2 मिनट के बाद में ये जितना भी टाइम है तुम्हारा, दोबारा से सेम स्टार्ट करना है। अब फिर से क्या करें, फिर से 30 मिनट उसी सेम एफिशिएंसी से पढ़ना है। पर बार बार जब मैं ये बोल रही हूँ कि 30 मिनट उसी एफिशिएंसी से पढ़ना है, बस पढ़ना था, उसमें जो एक्टिव रीडिंग कर रहे हो, स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहे हो, वही करना है। फोन को साइड हटा के रख देंगे, आसपास के टास्क को तुम्हें नहीं देखना है उस टाइम पे, एक्टिवली बस एक ही टारगेट, कौन सा, पढ़ना नहीं, रीडिंग करना। जो भी टास्क कर रहे हो, अगर तुम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो वो सॉल्व कर लो, बट अपने केस में हम एनसीईआरटी रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो तुम उतने पेजेस उतनी देर में रीड कर रहे थे, क्योंकि दिमाग कुछ टाइम बाद सैचुरेट होगा, डेफिनेटली होगा। हो सकता है 20 मिनट बैठा जाता है, तुम 20 मिनट बैठो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, पर लेकिन इस टाइम को धीरे धीरे बढ़ाना है। ऐसे ही तुमने फिर से किया सेम टास्क, फिर तुमने 2 मिनट्स का ब्रेक लिया, 2 मिनट्स के बाद फिर से 30 मिनट बैठे। हो सकता है तुम एक लॉन्ग रन में नहीं बैठ पा रहे हो कि पूरा 1 घंटा एक साथ बैठ गए, पर लेकिन इस पूरे स्ट्रेच में जब इस टाइम पर बैठे थे तो एफिशिएंसी ज्यादा थी या कम थी, तो तुम उस रेस की तरह नहीं दौड़ रहे हो कि धीरे 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 चलते हैं, तुमने एक स्प्रिंट लिया, गैप मार दिया, फिर एक स्प्रिंट, और स्प्रिंट में एफिशिएंसी शुड बी हायर। तो जब भी पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइमिंग में अपना अपना देख लो कि कितनी देर में कंसंट्रेशन से पढ़ पाता हूँ, कोई 1 घंटे पढ़ सकता है, कोई हो सकता है 15 मिनट में ही हो जाए उसका काम, कोई दिक्कत नहीं है, तुम उतनी देर पढ़ो, गैप लो, फिर दोबारा रीस्टार्ट करो। आधे बच्चे कहाँ पे खो जाते हैं, ये 2 मिनट नहीं होते हैं, ये 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, कब रील स्क्रॉल करते करते 20 मिनट के आप 2 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर थोड़ा डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, इसको 5 से 6 दिन करके देख लो, ट्रस्ट मी, जो तुम्हारी एफिशिएंसी है रीडिंग की, अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो करना क्या है हमको इस पूरे प्रोसेस में, पहले अपना टाइम डिसाइड करो कितना वो टाइम है, रीडिंग करो, एक्टिवली रीडिंग करनी है। यहाँ पर एफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। आसपास के टास्क, दोस्त बुला रहा है, मम्मी बुला रही है, सबको इग्नोर, बस रीडिंग मतलब रीडिंग। उसके बाद ब्रेक ले लो, पर थोड़ा ब्रेक लेना है, ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं, फिर दोबारा सेम टास्क, लास्ट में आते आते ब्रेक को बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 3-4 बार जब हो चुका है तो तुम आराम से आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक ले लो, पर ये प्रोसेस रिपीट होनी चाहिए। जितने लूप्स में ये रिपीट होगी उतनी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अभी कम टाइम पे हो चलेगा, बढ़ाया जा सकता है, पर लेकिन बढ़े हुए टाइम को घटाना नहीं है, तभी तुम्हारा टाइम जो एक्टिवली बढ़ेगा। तो 6 घंटे बैठ के पढ़ना इज नॉट क्रूशियल, 1 घंटे पढ़ो पर पूरी एफिशिएंसी के साथ, पूरा कंसंट्रेशन वहाँ होना चाहिए। तो अगर ये टास्क छोटे छोटे हम करते रहेंगे तो जो रीडिंग हो रही है वो बस मियरली रीडिंग नहीं होगी, वो एफिशिएंट रीडिंग होगी, तभी वो न्यूरल कनेक्शंस में बैठ पाएगी और लंबे टाइम तक याद रहेगी हमको। ठीक है भाई, ये दोनों टास्क डेली अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने हैं। जिस दिन भी ये चीज़ नहीं करी है, ये मान लेना अपनी तैयारी में 4 कदम पीछे आ गए हो। एक्टिव रिकॉल नहीं किया, ये सारा काम कर लिया, सब कुछ रुक जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा।
ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।